शम्स तब रे शम्स तब रे जिकर खुदा तलबी खुशबू पेश कर रहा हूं। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, ये नगरी जो है हिंदुस्तान में बड़ी मकबूल है, हजरत बाबा जिलानी बाबा हुजूर से और आप लोग इंतखाब सुनने वाले सामने बैठे हैं। मैं बहुत टाइम बाद इस इलाके में हाजिर हुआ हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग दास से नवाजेंगे। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी मुमलकते शेर की शाही मिल जाए। मैं भी खुसरो की तरह नात पढ़ूं रक्स करूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। काश मुझको मिल जाए। समंदर में मिला देता है उस अद भेज देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है। मजा वही आना चाहिए, क्या बात है। समंदर में मिला देता है उस अद भेज देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है, वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। को काबे की हिफाजत भेज देता है। अबाबिलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। कुछ मिसरे नजर कर रहा हूं। जो कभी लुट ना सके,
है जो कभी लुट ना सके तुम वो खजीना मांगो, अपने दिल के लिए ईमान का उजाला मांगो। उस जगह मौत भी है जिंदगी से ज्यादा हंसी, तुम दुआओं में मदीने का दफीना मांगो। खुशबुओं की तुम्हें चाहत है अगर दुनिया में, अपने अशकों में मोहम्मद का पसीना मांगो। अपने अशकों में मोहम्मद का पसीना मांगो, अपने अशकों में मोहम्मद का पसीना मांगो, अशकों में मोहम्मद का पसीना मांगो। जिन्हें तूने बनाया रहमतन लिल आलमीन या रब, बस उनके सदके में तेरी नजर एक बार हो जाए, अंधेरी कब्र और दोजख का डर मुझको रुलाता है, इलाही तू करम कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। इलाही तू करम कर दे, जौहर कानपुरी कहते हैं बेड़ा पार हो जाए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मुझे 18-19 साल इस फील्ड में हो गए हैं, ऐसे मिसरे बड़े कमी से सुने हैं, आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं। आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। आंधियों से ना बुझूं, एक मोमिन का किरदार है इसके अंदर। आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं, सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं मगर ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। जहां कहीं भी मदीने की बात चलती है, जहां कहीं भी मदीने की बात चलती है, वहां तो दिन की तरह होके रात चलती है, चलती है। अनीस खोटा है सिक्का चला दे ऐ मौला, तेरे इशारे पे तो काहे ना चलती है। तेरे इशारे पे तो काहे ना चलती है, तेरे तेरे इशारे में। मतला नजर कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ, क्योंकि ये इलाका हाजी छोटे मजी शोला साहब का है, इंतखाब जरूरी है यहां पढ़ना, इसलिए मतला नजर कर रहा हूं। अगर आप समझदार हैं तो मतले पर दाद देंगे। कैसे? किससे मांगे कहां जाए, किससे कहे, बनाने वाले की हिकमत पे तंज करता है वो आदमी, मेरी सूरत पे तंज करता है, मेरे करीब मुझे भी कलंदरी दे दे, जमाना मेरी जरूरत पे तंज करता है।
से शुरू करते हैं, बोलो हक जिलानी, हक जिलानी, हक जिलानी। Oh,
हर आदमी को ये गुमान है 99.9% कि मैं परफेक्ट हूं, मैं सहमत हूं, मैं अपनी जगह सही हूं, लेकिन शेर पर तो वो जो चाहूंगा इधर तवज्जो दें। कौन मकबूल, कौन मकबूल है, कौन मर्दूद है, तुझको क्या कौन है, खबर तुझको क्या कौन है, खबर क्या, खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मर्दूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे, जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, जब तुलेंगे सबके मीजान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, चुका हूं एक बीच में, एक मख्ता पढ़ूंगा। चार मिसरे याद आ गए, क्योंकि तमाम आशिक रसूल बैठे हैं। ये नहीं कहूंगा कितने चाहने वाले हैं, क्योंकि अगर चाहने वाले नहीं होते तो यहां नहीं होते। अब आशिक रसूल हो तो सुभान अल्लाह भी कह दो। क्योंकि रही संसारी कहते हैं, यहां से इल्तिजा कर लूं दरे अकदस पे जाने की, वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की, कनात ये के आदत एक मुट्ठी जौ मंगाने की, सखावत ये के भर दी झोलियां सारे जमाने की। मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है, मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है, कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। लेकिन लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। अक्दस पे जाने की, वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की, कनात ये के आदत एक मुट्ठी जौ मंगाने की, सखावत ये के भर दी झोलियां सारे जमाने की। मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसाला ये है, कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। शेर सुने, मेरा मोटिव इस शेर पर है, तवज्जो है, चेयर वालों से सोफे वालों से तवज्जो चाहूंगा। अंबिया औलिया अहले बैत नबी, सजदों में
शेरपुशा कौन है। लेकिन इल्तिजा ये है, जो जहां खड़ा है वो खड़ा होकर सुने, बैठे हैं तो बैठकर सुने। और एक दो मिनट मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इधर तवज्जो दे दें बस। भैया मेरे दो चार बंद है बस, उसके बाद चाहे कहीं भी बात करना, ध्यान देना, लेकिन इस पर तवज्जो दे दें। चचा मियां उम्मीद से पढ़ रहा हूं। भाई एक बार जज्बात के साथ जरा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दे। माहौल बना है इसलिए दो मिसरे नजर कर रहा हूं, जितने भी आशिकाने पंजतन बैठे हैं मचल जाएंगे। कैसे बाबा साहब आए, इन दो मिसरों का लुत्फ लो। दौलत के तमन्नाई को जो अजमेर गए हैं मचल जाएंगे। सरदार बना दे हमको गुलाम अहमद मुख्तार बना दे, वो खुलते हैं बड़ी और रिश्ता सीना भी दिखा दे। वो खुलते हैं बड़ी और रिश्ता सुनने के बाद वो
जहां खड़ा है बैठा है एक बंद सुन लो, मुझे उम्मीद है सरकार मदीना के सदके में के आप मचल जाओगे, क्योंकि मुस्कुराते हुए मंजर से निकल आते हैं वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। हमसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, जितने मोती हैं समंदर से निकल आते हैं। इस भरोसे से पढ़ रहा हूं गढ़चिरौली वालों के मचल जाओगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहकर मदीना देखना चाहते हैं। लेकिन एक आशिक कहता है, मेरे कलम में वो पाकीज़ा रोशनाई दे के बूंद बूंद में अक्से हरम दिखाई दे, झुकी झुकी सी जबी ने हरम दिखाई दे, जहां हुजूर का नक्शे कदम दिखाई दे। मैं भीख मांगने उस दर पे आ गया हूँ, जहां समीप बने मेरा दामन तो कम दिखाई दे। पढ़ रहा हूं कि पसंद आएगा इंशाल्लाह। खिंचवाने लगे, फोटो खिंचवाने लगे, मोहब्बत से कोई हाथ मिलाता है
हजारों लाखों करोड़ों लोगों की संख्या है। और देखो मख्ता हजरत कहते हैं, एक आले रसूल हैं, औलादे गौसे आजम हैं, आपकी तरफ मेरी तरफ पब्लिक अगर अट्रैक्टिव है तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। हजरत बेदम शवारसी कहते हैं, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं। इसलिए जरा डेफिनेशन देखें मख्ते की, अहले फिक्रो नजर, अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, मानते हैं तुझे। नसीर इस